राजधानी लखनऊ में महिलाओं और युवतियों के साथ छेड़छाड़ के मामले थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। शुक्रवार लखनऊ के गोमती नगर में रिवर फ्रंट पर ऑटो रिक्शा चालक ने लड़की से छेड़छाड़ की। इस छेड़छाड़ से बचने के लिए युवती ने चलती ऑटो से छलांग लगा दी, जिसके कारण युवती का सिर गंभीर तरीके से चोटिल हो गया है। मौके पर इकट्ठा हुए लोगों ने टेम्पो को रोक लिया और टेम्पो चालक को पकड़ लिया। आक्रोशित भीड़ ने ऑटो चालक की जमकर पिटाई की। इसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने ऑटो चालक को हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि इस घटना से गुस्साई भीड़ ने टेम्पो को पलटकर उसे आग लगाने का प्रयास भी किया था। लोगों का गुस्सा इतना बढ़ गया कि शहर में महिलाओं के सशक्तिकरण की धज्जियां उड़ा रहे लोगों के खिलाफ प्रदर्शन जारी कर दिया। घटना के चलते गोमती नगर के रिवर फ्रंट पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक जाम की स्थिति भी उत्पन्न हो गई। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ लाइव उत्तर प्रदेश लखनऊ।